तो आई गेस तो आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं एसर एस्पायर 7 के बारे में, यानी कि एसर एस्पायर 7 को मेरे को चलाते चलाते अराउंड 1 वीक हो चुका है, 1 वीक से थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका है, 2-3 हफ्ते आराम से हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेमिंग के मामले में ये कैसा है, इसमें डिस्प्ले के मामले में कैसा है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कैसा है, ऑडियो के मामले में कैसा है, कीबोर्ड वगैरह क्या कुछ है इस लैपटॉप में, या फिर आपको लेना चाहिए या नहीं, पूरा आपको हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैं आपको इसकी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को कंसिडर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो अगर आप कोई लैपटॉप देखते हो 45, 50, 60 थाउजेंड रुपीज़ के बजट में, तो आपका यही ध्यान रहता है कि क्या ये लैपटॉप मेरा 2-3 साल या 4-5 साल तक चल पाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल जो यूज़र होता है वो अगर 0.5 लाख रुपीज़ की, मतलब 50,000 रुपये के प्राइस रेंज में कोई भी चीज़ खरीदता, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कोई लैपटॉप हो, तो वो ये देखता है कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चला पाऊँगा या नहीं। तो वहीं बिल्ड क्वालिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें, जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है लैपटॉप का, अगर वो ख़राब हो जाए फिर आपके लैपटॉप का कोई भी मतलब नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल 98% ये प्लास्टिक से बना है, बट 2% ये मेटल से भी बना है। जो इसकी हिंज है वो मेटल से बनी है, तो वो हिंज जो है इसको बहुत ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी दे देती है, और ये 90 डिग्री पे रोटेट भी हो जाता है पूरा, इस वजह से इसकी हिंज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप गलती से इसकी लिड ज़्यादा तेज़ खोल देते हो, ज़्यादा तेज़ बंद कर देते हो, तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जो प्लास्टिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी गई है, और ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप पर प्लास्टिक की यूज़ होती है ताकि इसका जो वेट है वो कम से कम वो रख पाए। तो वही इसमें भी बात है, अच्छी क्वालिटी की है, और अगर आप इंसानों की तरह यूज़ करोगे, यानी कि इसको इंसान की तरह संभाल के रखोगे, थोड़ा कपड़ा वगैरह मारते रहोगे या फिर आप रफली यूज़ नहीं करोगे, तो ये आराम से आपका जो है 4-5 साल तक चल जाएगा, अगर आप चलाने वाले हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले में हमें फुल HD प्लस का IPS पैनल इसमें देखने को मिलता है। IPS पैनल इसमें आपको देखने को मिल जाता है, IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के मामले में कलर एक्यूरेसी वगैरह ऑन टू द पॉइंट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बिल्कुल एक्यूरेट कलर दिखाती है। अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो कोई, फिर तो आपको 50,000 रुपीज़ का लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। इससे बढ़िया आप कोई PC बिल्ड करो, अच्छा मॉनिटर लो, उसकी डिस्प्ले इससे फार बेटर होगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई लैपटॉप देखोगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो सबसे बेस्ट निकल के आएगी, क्योंकि ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले अगर आपके लैपटॉप में होती है तो वह आपकी आंखों को बचाती है, लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो वो थोड़ी ब्राइटनेस भी कम होती है, थोड़ी सी कलर एक्यूरेसी भी थोड़ी सी डाउन होती है, तो वो ऐसे इस लैपटॉप में नहीं है और इसमें आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती। तो एक चीज़ का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है जो आप इस लैपटॉप में देख रहे हो वो है परफॉर्मेंस, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों के दिमाग में सवाल भी है कि हीटिंग इश्यूज़ हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं परफॉर्मेंस से। Ryzen 5 3550H इस प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके अंदर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप 50-60 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास कोई लैपटॉप लेते हो तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको Ryzen 5 मिलेगा, या आपको i5 9th जनरेशन या 8th जनरेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें भी 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ ही आता है। तो अब कुछ ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स, तो सेम प्रोसेसर इसमें भी यूज़ करा गया है जो 50-60 थाउजेंड रुपीज़ के अंदर हमेशा यूज़ होता है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर GTX का 1650 वाला DDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। Acer Aspire 7 जो i5 या Ryzen 5 या Ryzen 7 या Ryzen 5, इन तीनों लैपटॉप में सब में ही DDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि 2020 वाला वर्जन है। तो DDR6 आपके जो फ्रेम रेट है वो 5 to 6
FPS प्लस कर देता है DDR5 से, तो वो ही इस लैपटॉप में भी है। वाईफाई 6 है, तो अगर आप कोई बैटल रॉयल गेम खेलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को छोड़ूं और अगर मैं इन हैंड की बात करूं, मैंने इसमें GT5 जो है वो वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग्स पर ट्राई करके देखी थी, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैक्स करके, और अबव 30 FPS हमेशा मेरे को मिल रहे थे, कांस्टेंट थे 30 FPS, लोएस्ट टू लोएस्ट 20 जा रहे थे, और 30 FPS यानी कि प्लेएबल है, अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी प्लेएबल थी। और अगर हम मॉडर्न AAA टाइटल्स की बात करें, चाहे वैलोरेंट ले लो या आप क्रिकेट 19 ले लो या WWE 2K20 ले लो, वो तो मुझे पता है कि ज़्यादा बड़े इसमें कुछ आप टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, थोड़े लो ग्राफिकल गेम है ये, लेकिन उसमें भी अबव 60 FPS हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी और हाई सेटिंग्स पर भी। तो मैंने तीनों गेम्स ट्राई करी हैं और मेरे को जो क्रिकेट 19 है उसमें तो 235 FPS तक भी पहुँच गए थे हाई सेटिंग्स पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को ये लैपटॉप लगा है। और एडिटिंग वगैरह में भी मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आते, और अगर मैं एक्सपोर्टिंग टाइम की बात करूँ तो 10 मिनट की वीडियो आराम से 15-20 मिनट में आराम से एक्सपोर्ट हो जाती है, और रेंडरिंग भी काफ़ी ज़्यादा ऑन टू द पॉइंट होती है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी हीटिंग इशूज़ की, तो जी हाँ, हीटिंग इशूज़ आपको हर एक गेमिंग लैपटॉप में देखने को मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक टेबल पर यूज़ करते हो या फिर एक फ्लैट चीज़ पर यूज़ करते हो तो वो आप हीटिंग तो हीटिंग इश्यूज आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। और मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा एक गेमिंग लैपटॉप को बेड पर चलाने की या सोफे पर चलाने की या अपने लैप पर चलाने की। गेमिंग लैपटॉप आपके जो लैप है या फिर बेड है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा, और ना आपको फिर गेमिंग ज़्यादा अच्छी होगी और ना ही आपका जो कम्फर्टनेस है वो आएगी। तो हमेशा आप टेबल पर यूज़ करोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। और जो हीटिंग है वो हर एक लैपटॉप में होती है, कोई ओवर हीटिंग नहीं है। जो मेरे पास GTX 1650 वाला जो ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गए नहीं है, यानी तक उस तक पहुंचा भी नहीं है, 60 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहता है। तो हीटिंग इश्यूज भी कुछ खास मुझे नहीं लगा अगर आप 1-1.5 घंटा गेमिंग करते हो तो। अगर आप उससे ऊपर करते हो तो मैंने कभी टेस्ट करा नहीं, लेकिन करके ज़रूर बताऊँगा आपको। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैटरी की। मेरे ख्याल से 48 वॉट आवर की बैटरी है, और अराउंड अगर आप गेमिंग करते हो बैटरी के ऊपर, वैसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैटरी के ऊपर गेमिंग करो, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो फिर भी आपका मन कर रहा है खेलने का, तो बैटरी आपको आराम से 1.5 घंटा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ऊपर नहीं चलेगी। अगर आप कोई अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी गेमिंग करते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ऊपर बैटरी चलने ही नहीं वाली, मिनिमम आप 1 घंटा मान के चलो। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल देख लेकिन अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हो या फिर आप कोई नॉर्मल काम करते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह करते हो, फिर आराम से 3-4 घंटे आराम से चल जाती है। इसके अंदर आपको 135 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि आपके लैपटॉप को 1-1.5 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में, मेरे ख्याल से 1 घंटे में या 1.5 घंटे में फुल चार्ज लैपटॉप हो जाता है। तो बस वीडियो इतनी थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को चेकआउट ज़रूर करके आना यार। 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें न्यू ईयर से पहले, तो 500 सब्सक्राइबर ज़रूर करा देना। लाइक तो मैंने बोल ही दिया है, बाकी सब्सक्राइब भी बोल दिया, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो को, और मैं तो आपसे अगली वीडियो मैग्नेट आपके साथ में, तब तक के लिए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out, I'm talking about